निवेदन करूं, मैं प्रार्थना करूं, बुरा मत मानना, गीता योग का विषय है, श्रीमद् भगवद गीता योग का विषय है, राम कथा संयोग का विषय है, श्रीमद् भागवत कथा वियोग का विषय है, परंतु सत्यनारायण हरि से मिलाने का एक दर्शन है। गीता में योग की चर्चा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, गीता में योग भरे पड़े। राम कथा में संयोग है, कहां पंपा सरोवर, फिर भी हनुमान जी मिल रहे, गोस्वामी जी कहीं ना कहीं से मिला देते भक्त और भगवान को। कहां त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका, उसको भी हनुमान जी से मिला देते। कहां मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी दनमनी, पर उसको भी हनुमान जी दिव्य दर्शन करवा देते हैं। गोस्वामी जी संयोग करवाते रामायण में, पर भागवत गोपियों का वियोग का विषय है, लेकिन सत्यनारायण की कथा इन तीनों से परे है। और कोई हमसे पूछे कि महाराज आप इसको किस रूप में ढालेंगे सत्यनारायण को, तो हम कहते हैं अगर गीता योग का विषय, रामायण संयोग का विषय, भागवत वियोग का विषय है, तो सत्यनारायण की कथा प्रयोग का विषय है। ये प्रयोग का विषय है, इसको प्रयोग करो। सत्यनारायण की कथा प्रयोग का, योग संयोग वियोग और सत्यनारायण की कथा प्रयोग, इसे अपने जीवन में प्रयोग करो। हम नहीं कहते, महापुरुष कहते, साच बराबर तप नहीं युद्ध बराबर पार, जाके हृदय साथ लाके हृदय। योग वियोग संयोग प्रयोग, और सत्य ही नारायण है, और नारायण ही सत्य है, यही सत्य नारायण है, कोई छोटा विषय नहीं है। हम लोग कह देते पंजीरी बनाओ, केले के पत्ता रखो, विष्णु भगवान रखो, पांचवे घंटिया बज जाए, हो गई सत्यनारायण। हाँ, ये सत्यनारायण नहीं है महाराज। सत्यनारायण पढ़िए, तीसरी रेवा खंडे, किस पुराण की है कथा, कितना बड़ा है महाराज, कितने उसमें खंड है बताइए, हो 7 खंड 81,000 श्लोक, उसमें रेवा खंड की कथा है। मानो बीज है रेवा खंड, मूल में है, मध्य में है, तो सत्यनारायण मूल है स्कंद पुराण। तो योग वियोग संयोग और ये प्रयोग, सुनिए, सत्यनारायण प्रयोग है, क्या है, प्रयोग है, इसे प्रयोग करो अपने जीवन में। सत्य बोलो, सत्य तौलो, सत्य का स्मरण करो, मस्तक भी सत्य की जगह पर झुकाओ, शरणागति भी सत्य में लो। और कभी कोई पूछे आपसे कि प्राण कहां त्यागोगे, हमने एक बार एक सूत्र कहा था, हम किसी तपस्वी को बोल रहे थे, काश कोई तपस्वी मुझे ये श्राप दे दे, काश कोई तपस्वी मुझे ये श्राप दे दे, जा डूब मर वृंदावन में, काश कोई तपस्वी मुझे ये श्राप, जा डूब मर वृंदावन में। तो कोई पूछे कि आपका मरना क्या हुआ, हम कहेंगे वहां वृंदावन में सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना सत्य रूपी श्री हरि विराजमान है। मरना भी सत्य में हो, मरना भी सत्य, तो ये मौत भी सिद्ध हो जाएगी साधु। और क्या निवेदन करूं, अब क्या निवेदन करूं आपके चरणों में। दयालु, मुझे एक कथा बहुत याद आ रही इस बात पे, प्रयोग पर मुझे याद आया। वृंदावन के पास एक गांव था, वहां एक नन्ही सी बालिका रहती थी, उसका नाम था कान्हो, कान्हा नहीं कान्हो, कान्हो नाम की एक बालिका, अवस्था उसकी 5 साल की। उसके पिता थोड़ा बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वृंदावन ब्रज क्षेत्र की ही घटना, सत्य घटना सुना रहे 80 साल 90 साल पहले की। वो ब्रज परिक्षेत्र में रहती, तो ब्रज में तो घर घर ठाकुर, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को है? तो प्रयोग पर चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। वो रहती ब्रज में, एक दिन उसके पिता वृंदावन गए तो उसने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं?
तो कहा बेटी तू घर रुक, कान्हो तू घर रुक, मैं वृंदावन आऊं, अबे हाल में बांके बिहारी को दर्शन करके वापस आ जाऊं। पिताजी ये बांके बिहारी कौन सी बलाए है? बेटा ये सुना है कहे बांके बिहारी ब्रज को राजा है, हम सबन को प्राण है, जगत को आधार है, जगदीश है, जगदात्मा है, जगन्नाथ है, जगत वेत्ता है, जगन्नाथ है, कोई साधारण नहीं, वो जगदात्मा है, जगत की आत्मा है बांके बिहारी। पिताजी इनको और क्या क्या कहते? बेटी इनके अनंत नाम है, कोई बांके बिहारी कहता, कोई कान्हा कहता, कोई कन्हैया कहता, कोई चितचोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई मुरली वाला कहता, कोई गोपेश्वर कहता, कोई गोपीनाथ कहता, कोई कुछ कहता, कोई द्वारकाधीश कहता, कोई नंद नंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई ब्रजनंदन कहता, कोई देवकी नंदन कहता। अनंत नाम है इसके, इसके अनंत नाम है, लेकिन ये बांके बिहारी है। अच्छा अब उससे वो रट लग गई, दिखता कैसा? तो वो श्लोक की जो पंक्तियों का अर्थ है ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले आदि आदि की चर्चा बताई कि वो मोर मुकुट पहनता, सांवला स्वरूप है, बड़ा प्यारा है। अब उसको लगन लग गई ठाकुर जी से, धीरे धीरे वो बड़ी हुई है, बड़ी हुई प्रेम तो ठाकुर से हो गया था, कभी ब्रज जा नहीं पाई, किस्मत से कभी ब्रज जाना नहीं हुआ, वृंदावन कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन वो नित्य सुबह और शाम ठाकुर जी को भजती, कहती कभी हम आएंगे। इतने में गांव में एक महात्मा पधारे कथा सुनाने को, तो हम हमेशा बोलते कथा सुनते रहो, बार बार सुनो। महाराज जी ना जाने कब किस महापुरुष का कौन सा शब्द हृदय पर चोट कर जाए, और जगत व्यर्थ और गोविंद ही सार्थक नजर आए, कब कोई ठिकाना नहीं, तो बार बार सुनना चाहिए। उसने कथा सुनी, कथा में उसे गोविंद से प्रीति और बढ़ गई, प्रेम बढ़ा, लेकिन किस्मत तो देखो धन्य है कन्हैया, किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता, खास किसी के दिल मकसूद ये होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो उसको बड़ा प्रेम हो गया कन्हैया से, लेकिन किस्मत तो देखो, उसका जब विवाह की बात आई, 16-17 साल की हुई, उम्र बड़ी भई, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम उसका ज्यों का त्यों था, लेकिन संयोग बस उसका विवाह वृंदावन में ही हो गया। अब तो बड़ी खुश, वृंदावन की बात चली तो ना बर देखा ना घर, ओहा कह दिया। पहली बार गई तो पहली बार में तो नई नवेली दुल्हन बन करके गई, भला कौन परिचय में, वापस आई कुछ दिनों में, और पहली की परंपरा में गौना हुआ करता था, गौना, और गौना थोड़ा रुक करके होता था, गौने का मतलब द्वितीय बार जब जो है कन्या लड़की अपने पति के घर आती है उसे गौना कहते हैं। और बुंदेली का बड़ा अच्छा वो गीत भी कई बार नजर आता है, याद आता है, बरो लगे चाहे नौनो जू गौनो तो एक दिन होनो जू, हाँ बरो लगे चाहे नौनो जू एक दिन गौनो होनो जू, हाँ तो गौना उसका हुआ। अच्छा गौना सबका भी होना है, एक और बात, एक नई बात हमें ध्यान आ रही, गौना सबका होना है, ये हम अपनी ससुराल में है, माए के एक दिन सबको जाना है, माए के तो पीहर यानी हमारे प्रभु का ही घर है, वही जगत पिता है, वहां सबको जाना है, क्या पुरुष क्या स्त्री सबको जाना। तो उसका गौना हुआ, वृंदावन गई वो, आहा महाराज वृंदावन गई दोबारा में, तो मन में विचार करती जाती थी कि जो महाराज जी गांव में आए थे उन्होंने कहा था ठाकुर जी से प्रेम करना है तो कोई संबंध बनाओ, क्या संबंध बनाओ। तो उस कान्हो ने ठाकुर जी से विचार किया, हमारे पति की आयु 25-26 साल है, ठाकुर जी छोटे तो होंगे ही, 16-17 साल के दिखने में लगते हैं चित्रों में, हमें लगता है ये हमारे पति से छोटे हैं, हम एक काम करते हैं उनको अपना देवर बना लेते हैं। ठाकुर जी को उसने देवर बना लिया,
अब तो उसी भाव में जीवे। हम जाएंगे कभी बांके बिहारी तो पूछेंगे देवर जी कैसे हो, उसे क्या पता बिचारी भोली सी पागल सी, उसे ज्यादा अनुभव नहीं जगत का, तो उसे लगा शायद बांके बिहारी कोई राजा है और वो भगवान है, वो वहां बैठते हैं रोज बातें करते हैं। उसका ऐसा मनोभाव था, मन का मंथन था, उसकी अपनी एक जिज्ञासा थी, उसकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन काल्पनिक होते हुए भी सत्य है। बार बार मंथन करती, बार बार विचार करती, यमुना जी के नज़दीक जब वृंदावन पहुंची तो यमुना के पल्ली इस पार, इसका गांव उस पार वृंदावन, इस पार यमुना के किनारे उसके पति ने कहा कान्हो तू घूंघट डाल के बैठ, मैं तब तक यमुना जी में स्नान करके आऊं और तो लेकर मैं फिर घर को चलूं, सांझ तले जानो तो फिर अबेर रह जाएगी, देर रह जाएगी। कान्हो ने कहा ठीक, माने तो समझाया ही था, अरे लाली तू ब्रज जा रही वृंदावन जा रही पर घूंघट ने एक लंबो डालियो, लंबा घूंघट डालना। सो वो लंबा घूंघट डाल करके एक वृक्ष के नीचे टिक करके बैठ गए। बार बार अपने देवर का चिंतन करें, बार बार बांके बिहारी का चिंतन करें, बार बार मनमोहन का चिंतन करें, बार बार गोविंद का चिंतन करें, बार बार ब्रजाधीश का चिंतन करें, बार बार श्री कृष्ण का चिंतन करें, बार बार कन्हैया का चिंतन करें। और हमारे ठाकुर भी चिंतन कोई अत्यधिक करे तो ठहर नहीं पाते। ठाकुर कहते तू पग राखे एक जो मैं राखूं पग साठ, और भगवान से रहा नहीं गया। हमारे भगवान नन्हे से बालक बन करके 16-17 साल के ठाकुर जी बन करके प्रकट हो गए और आए, अरे भाभी मोए नेक मुखड़ो तो दिखाए दो, मुखड़ो तो दिखाए दो। इधर कान्हों ने मन में विचार किया, ना जाने ये ब्रज है कौन सा नगर है, ये कौन सा है, ये बार बार भाभी भाभी कहवे, आज तक हमने इसको पहचानो ना है, और कहीं अगर मैंने घूंघट उखाड़ो और काऊ बूढ़े पुरुष ने देख लो तो नाक कट जाएगी, घर में खबर जाएगी कि अमुक की बहू तो मुंह उगाड़ के घूमे। सुबह ने अपना घूंघट जबरदस्ती पकड़ लो और जैसे ही पकड़ो तो बार बार ठाकुर जी हाथ ने छुड़ावे, बार बार घूंघट को पकड़वे, वो बार बार मुंह दूर करवे। अंत तो गत्पा ठाकुर जी ने हाथ को झटका देख करके मुंह देख लिया और जैसे ही इसकी नजर पड़ी सांवला सा कटीला सा बदन, कजरारी अखियां, घुंघराले वाल, लाल लाल होंठ, बड़े बड़े कपोल, घुंघराले वाल, कानों में कर्णफूल पहने हुए, गले में बैजंती माला पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, कटी में मुरली बांधे हुए, वो सांवले स्वरूप को देख करके वो भी बाबरी है गई कि ना जाने जे कौन सो लाला है, लेकिन देख करके गदगद है गई। फिर का अपने पति को आवाज दी, उसका पति आया, उसने पूरी घटना बताई। एक नन्ना सा बालक आया बड़ा विचित्र सा, उसने जबरदस्ती मेरा मुंह का पल्लू दूर कर दिया। पति ने कहा चिंता मत कर, होगा कोई बाबरा, यहां वहां देखा पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो पति ने को पाए कहा चिंता मत कर, ये वृंदावन इतना बड़ो ना है, कानून गली में डोलो फेरे वो, तू अगर दिखे कभी भविष्य में तो मुझे बता दियो, मैं बाकी खबर ले लूंगा। ठीक है, घर आई, बात आई गई हो गई, लेकिन उसकी चित्त में तो वही देवर जी के रूप में बांके बिहारी छपे थे। एक दिन सासू माँ ने कहा अपने बेटे से, बेटा बहू बहुत दिन आए हो गई पर बांके बिहारी के दर्शन ना आज तक तूने करवाए, जा जा को ले जा, जा करके बांके बिहारी के दर्शन करवा। तो हाथ में फूल की माला, तुलसी दल, प्रसाद घर सेवा कान्हों ने लिया और आज इसके हृदय की बड़ी गदगदता है कि जिनको हम 5 वर्ष से ध्याते रहे वो देवर जी आज हमें मिलेंगे। मैं बात करूंगी, मैं पूछूंगी कैसे हो आप, जिनकी कथा वो महापुरुष घर में सुना, गांव में सुना रहे थे नंद नंदन की कि वो कटीले हैं, कजरारी अखियां हैं, देखते ही लोग दीवाने हो जाएं, मैं तो उनके चरणों में जाकर लिपट जाऊंगी, मैं तो उनके चरणों में जाकर के लिपट जाऊंगी, मैं तो चिल्लाऊंगी कि अभी तक मोए काय नाए बुलाओ, तुम राजा हो के मोए नाए बुलाओ। बार बार मन में गदगदता से भरी, कभी रोवे कभी मुस्कुराए कभी हंसे कि जिसकी चाय थी वो अब हमें आज मिलेंगे। बांके बिहारी मंदिर में पहुंच गई साहब,
अब पहुंची तो घूंघट तो डाले थी, ब्रजवासिनी थी। पति ने पीछे से आकर के दुत्कारा, अरे बाबरी मूर्ख है क्या, यहां भी घूंघट करना चाहिए, सरकार के दर्शन तो न कर ले। पति की आज्ञा मान करके उसने घूंघट उठाया और पहले तो नजर नीचे थी, जैसी नजर को ऊपर किया तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे उस भवन में मंदिर में दिखाई पड़ा। और जैसी मुस्कुराता हुआ उसने चेहरा देखा तो देख करके बाबरी होगी और चिल्ला करके बोली, नाथ आइए। तो पति भागा भागा, क्या हुआ, क्यों कांप रही, ये वही बालक है जो उस दिन यमुना की तलहटी पर हमारे घूंघट को उठा रहा था, ये वही कन्हैया है, ये वही बालक है, ये वही बालक है। पति ने साष्टांग दंडवत किया, पहचान गए तू कोई साधारण नहीं है। और कथा कहती है साधु जी उस दिन के बाद वो बैरागड़ी हो गई, पति को छोड़ परम पति में लग गई, वृंदावन की गलियों में डोले, कभी जमुना किनारे घूमे, कभी चौखट पर बांके बिहारी की पड़ी रहे। देवर जी अब दोबारा कब दर्शन होंगे, एक बार तो भूल है गई सो है गई, अब कब दर्शन हो गए। वो कथा कहती है कि अपने जीवन के 70 साल तक डोली, बुढ़ापा आ गया, शरीर लचके, खाल लटक गई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। और एक दिन लगा के अब मैं 2-4 दिन की मेहमान हूं। रात के 2 बजे बांके बिहारी के मंदिर के पीछे पड़ी पड़ी, हे गोविंद, अरे देवर जी अब ये प्यास कब मिटेगी। तो देखती है हाथ में कोई प्रसाद लिए हुए नन्ना सा बालक मटकता हुआ, नाचता हुआ, खिलखिलाता हुआ चला आ रहा। और जैसे ही आया आंख बंद होने ही वाली थी कि हाथ से प्रसाद लिया, भाभी नेक खाए तो ले, भूखी ना आए रहे तू। और जैसे ही उसने नेत्र खोले तो देखा ये वही बांके बिहारी देवर जी हैं जिनके लिए मैं बचपन से रोती रही, चरणों में लिपट गई और हमेशा के लिए गोविंद के चरणों में डूब गई। आप पूछो महाराज इस कथा का आशय क्या है, तो मैं निवेदन करूं इस कथा का आशय है प्रयोग। कैसे कैसे प्रयोग है भैया, अपने जीवन में ठाकुर जी से कोई नाता बना लो, अपने ठाकुर के चरणों से कोई संबंध जोड़ लो। ये प्रयोग एक बार कर देखो, सत्यनारायण सफल हो जाएंगे।